बिग बॉस 16 के फिनाले वीक में घर में जहां टॉप 5 कंटेस्टेंट्स बचे हैं, वहीं पूरे दिन का गुजारा इनके लिए मुश्किल हो रहा है, जहां सभी कंटेस्टेंट्स एक दूसरे से सारे पुराने गिले शिकवे दूर करके अपने मन की बात कर रहे हैं। जहां इन पांचों टॉप 5 कंटेस्टेंट्स को अपनी अपनी जर्नी वीडियो देखने के बाद एक दूसरे के बारे में काफी कुछ अच्छा पता चला है। अपनी जर्नी वीडियो देखने के बाद शालीन हर एक कंटेस्टेंट के पास जाके उनकी तारीफ करने से नहीं चूक रहे। तभी वे शिव से कहते हैं कि चल मैं आज तुझे वर्कआउट कराता हूँ, और शिव मना करते हैं कि नहीं, इससे अच्छा बैठते हैं, बातें करते हैं। यही कुछ आखिरी दिन है कि हम एक दूसरे की सारी पुरानी बातें भूल के नए सिरे से दोस्ती कर सकते हैं। जब शालीन कहते हैं मैंने अपनी जर्नी वीडियो देखी तब पता चला कि तूने अपनी मंडली को बहुत अच्छे से संभाला है, तू एक बहुत ही अच्छा इंसान है, और तेरे साथ साथ साजिद सर ने भी मुझे बहुत संभाला। इस घर में ऐसे 3 वाक्य हुए जहाँ साजिद सर ने मुझे रोक के अच्छे से समझाते हुए सही रास्ता दिखाया। जहाँ शिव भी कहते हैं कि मुझे भी उन्होंने ऐसी कुछ बातें कही है जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं बाहर मिलते ही उनसे थैंक यू कहूँगा, क्योंकि ऐसी कुछ बातें हैं जिनसे उन्होंने मुझे खूब मोटिवेट किया है। और एक बात है कि इस घर की लड़कियों ने हमें कभी भी खाने की कमी महसूस नहीं होने दी। जहाँ सौंदर्य, अर्चना, सुम्बुल ने हमें भर भर के बहुत खाना खिलाया है, तब शालीन भी कहते हैं कि नहीं, इस मामले में घर की सारी लड़कियों ने अच्छा किया है। हमें इस घर में कम राशन होते हुए भी तरह तरह के व्यंजन बना के खिलाए हैं। टीना ने भी कुछ कम सेवा नहीं की। इस घर में टीना ने ही सबके हाथ में जा जा के खाने की प्लेट पकड़ाना शुरू किया था। चाहे कोई कहीं भी बैठा हो, टीना उसके पास जाके उसे ब्रेकफास्ट या लंच डिनर देती थी, और खाना ऐसे अच्छे से सजा के सर्व करती थी कि बस, कभी एवोकाडो से सजाती तो कभी आलू से। प्रियंका और निमृत ने भी बहुत खाना खिलाया है, और अर्चना ने तो पाव भाजी, पकोड़े और हलवे जैसी वैरायटीज बना के खिलाई है, जो मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने किसी भी सीजन में इतना बना के खिलाया होगा। इसी के साथ शालीन बार बार शिव से कहते हैं कि भाई तू दिल का बहुत अच्छा आदमी है और तेरे जैसा दोस्त सभी के पास होना चाहिए। तो व्यूअर्स, शालीन की बातों से क्या लगता है, क्या वो सही में इन सभी कंटेस्टेंट से इम्प्रेस्ड है, या फिर शिव की जर्नी वीडियो के दौरान बिग बॉस द्वारा करी गई उनकी तारीफ उन्हें अंदर तक सुनाई दे रही थी और वही सब शालीन बैठ के शिव के आगे दोहरा रहे हैं।